बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है, उसका टाइटल है बेस्ट बांद्रा स्ट्रीट फूड बर्गर चाट देसी चाइनीज एंड मोर। मौसम अभी कुछ खाया तो नहीं, गला पहले खराब हो गया है, पता नहीं कल से खराब है। वैसे बांद्रा मतलब मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये नाम का भी सुना है बांद्रा का, मुंबई में है बांद्रा। हाँ, मुंबई में एक बांद्रा बहुत, बांद्रा स्टेशन भी है ना। हाँ एग्जैक्टली, एक बांद्रा बहुत फेमस है और एक और जगह का नाम है वॉर्डली। वॉर्डली हाँ एग्जैक्टली, वो अंधेरी। अंधेरी भी बिल्कुल। वेल अभी हम देख लेते हैं बांद्रा, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का विजुअल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। वाओ, गोलगप्पा का वीडियो। यस यार, एक ग्रीन चटनी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ बांद्रा में। पता है बांद्रा सुन के दो चीजें मेरे दिमाग में आ जाती हैं। वन इज शॉपिंग, यहाँ का स्ट्रीट साइड शॉपिंग इतना ज्यादा पॉपुलर है। एंड सेकेंड इज फेमस हैंग आउट स्पॉट्स। यहाँ पर ऐसे इतने सारे हैंग आउट स्पॉट्स हैं, फ्रॉम आइकॉनिक कैफेज टू अपस्केल रेस्टोरेंट्स, देर आर सो मेनी थिंग्स। बट यू नो वॉट, बांद्रा का स्ट्रीट फूड भी एक्चुअली बहुत पॉपुलर है, कंसिडरिंग यहाँ पे इतने सारे कॉलेजेस हैं, देर आर सो मेनी किड्स जिनके ऐसे फेवरेट हैंग आउट स्पॉट्स होते हैं। आई एम इन बांद्रा टुडे एक्सप्लोरिंग सम ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट फूड और मैं आपको ये वीडियो में बहुत सारी डिलिशियस चीजें दिखाने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन इफ यू एंजॉय इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मोर ऑफ फूड रिलेटेड कॉन्टेंट। आज की जो पहली प्लेस है इट्स कॉल्ड हर्ष बेकरी। वन थिंग इज बांद्रा में देर आर लॉट ऑफ आइकॉनिक बेकरीज। दीज बेकरीज आर लाइक वेरी ओल्ड, लाइक 100 years ओल्ड। हर्ष बेकरी इज मोर देन 100 years ओल्ड और इतनी फेमस है ना यहाँ पे लोकल्स में कि लोकल्स को यहाँ पे चीप एंड डिलिशियस स्टफ खाना होता है, तो दे गो टू दीज कैफेज और बेकरीज। हर्ष बेकरी इज वन ऑफ दोज बेकरीज और यहाँ पे ना अंदर इतना शूटिंग एंड अंदर खाना अलाउड नहीं है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू टेक सम फूड एंड कम आउट एंड ईट। लेट्स गो। इंडिया में मुझे लगता है कम से कम ही पुरानी जो जगह होती है वो 100 साल से। ये जो हर्ष बेकरी है यहाँ पे वन थिंग विच इज कमेंडेबल इज यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा था, मास्क कंपलसरी and only one person per order was allowed, which I think is really great. The most famous thing to try is a chicken burger. So I have gotten a chicken burger for myself and थोड़ी गर्मी हो रही थी तो मैंने लाइम जूस भी अपने लिए ले लिया है। गर्मी, आप अगर बांद्रा के हैं आप मुझे बताइए कि आपको हर्ष बेकरी कैसे लगती है। गो नाउ एंड लीव अ कमेंट बिलो जब तक मैं ये खोलती हूँ। दिस बर्गर इज फॉर 95 rupees और ये देखिए अंदर उन्होंने चिप्स भी दिए हैं। ये ना इन्होंने चिप्स ऐसे ही ऊपर से डाल दिए हैं विच इज kind of okay, but let's remove the burger. Oh my god, the burger is huge. ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया कर रहे हैं। बहुत time हो गया है मुझे ऐसा street style burger खाके। It's not exactly street style, but it's not like cafe type also. एक बार मैं आपको इसके अंदर की filling दिखा देती हूँ। There's cheese, tomato, ketchup, mayo, and one slice of onion. Let's take the first bite. Oh my god. Oh my god. So मज़े का। good. सबसे पहले मैं इनके मेयो के बारे में बात करती हूँ। This is not like the mayos we usually have. The mayo is a little sweet, just a little. Onion का सिर्फ एक पीस डाला हुआ है बट अनियन की टेस्ट पूरे बर्गर में आ रही है guys. And this bun is so soft. So the textures are so nice. Mayo की quantity इतनी ज्यादा डाली हुई है. The ketchup, everything is actually so good. बेस्ट थिंग इज जो भी लेयर्स हैं आई कैन टेस्ट सो नाइसली, नथिंग इज ओवरपावरिंग। एब्सोल्युटली लव दिस वेरी सिंपल येट फ्लेवर। जो भी हाइप है ना इसके बारे में, आई बीन एक्चुअली रीडिंग अबाउट दिस बर्गर फॉर सो लॉन्ग, इट्स ऑल वर्थ इट, वन ऑफ माई फेवरेट्स फॉर श्योर। तो स्टार्ट तो हमने बहुत बढ़िया की है, सो रिफ्रेशिंग, एब्सोल्युटली लव दिस वन। जो
सेकेंड प्लेस हम आए हैं, इट्स कॉल्ड यमीज़। दिस इज येट अनदर वेरी पॉपुलर जॉइंट इन बांद्रा। जैसे मैं आपको बोल रही थी, बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में ऐसे कुछ स्पॉट्स फेमस हैं, यमीज़ इज वन ऑफ दोज। अगेन यहाँ पे भी आपको ऐसे बहुत सारे बेकरी आइटम्स मिलेंगे, लाइक बंस एंड देन रोल्स, पफ्स एंड ऑल ऑफ दैट। बट यहाँ पे आपको चाइनीज फूड भी मिलता है, एंड देयर चाइनीज फूड, द देसी स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज फूड इज रियली दैट्स यमीज़ राइट नेक्स्ट टू मी। अच्छा, कितने सिंपल से बने हुए हैं ना, और टीवी ज़्यादा जो वैसे ही खाना यहाँ तक लेके आए, वैसे ही कार में आपको यहाँ पे खाना मिल सकता है। द ओनर वॉज वेरी स्वीट, उन्होंने मुझे एक आइस टी भी दे दी बिकॉज ही सॉ वी वर शूटिंग। दिस इज सम वेज मंचूरियन शेज़वान फ्राइड राइस। इनकी चटनी देखिए बहुत अलग लग रही है। यहाँ के ओनर हमें एक्चुअली बता रहे थे कि इनकी चटनी बहुत फेमस है, एंड सम फ्राइड नूडल्स विद सम शेज़वान चटनी। लेट्स स्टार्ट विद सम मंचूरियन नाउ। ये ले लेते हैं हम मंचूरियन, ये ड्राई मंचूरियन है, बहुत गर्म है। एकदम वो जो स्ट्रीट स्टाइल वाइब्स होते हैं एकदम वैसा है। ढेर सारा गार्लिक सॉस, ढेर सारा स्प्रिंग अनियन गार्निश विद लॉट्स ऑफ कोरिएंडर एंड स्प्रिंग अनियन, एंड इवन दो इट्स ड्राई उसका टेक्सचर ऐसे थोड़ा गीला गीला है। अंदर से गोभी डाली हुई है, कैप्सिकम, क्रिस्पी व्हाटसोएवर। इसमें ढेर सारा चिली सॉस डाला हुआ है, इट्स वेरी स्पाइसी। दिस इज सम शेज़वान फ्राइड राइस। एक चीज आप नोटिस कीजिए, इतनी वेजिटेबल्स नहीं दिख रही हैं, विच इज अ गुड थिंग। बहुत सारे फ्राइड राइस में ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, राइस की क्वांटिटी कम होती है, ऊपर से स्प्रिंग अनियन, एंड लुक एट दिस चटनी। ये चटनी को मैं थोड़ा यहां पे मिक्स कर लेती हूं। लेट्स टेक राइस, याद है जो मैंने पकोड़ा बनाया था, हां हां हां, मैंने मंचूरियन बहुत गरम गरम खा लिया, इसलिए मैं थोड़ा ठंडा करती हूं। द चटनी इज वेरी डिफरेंट। व्हाट आई फील इज चटनी में विनेगर का प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है, इनकी चटनी इनकी यूएसपी भी है। द राइस इज सो सटल फ्लेवर्ड, करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग अनियन, कैरेट, कैबेज एंड अ लिटिल कैप्सिकम, दैट्स इट। वन बेस्ट थिंग इज इन्होंने ना ऐसे सॉसेस ये सब डाल के ऐसे ओवर पावर नहीं कर दिया है, बहुत सिंपल रखा है इन्होंने। वेजिटेबल्स भी इतने नहीं, एकदम ऑयली भी नहीं है, फुलफिलिंग एंड सैटिस्फाइंग। एक ड्रॉबैक मुझे क्या लग रहा है कि अगर मैं सिर्फ राइस खा रही हूँ ना, शेज़वान राइस, तो इतना भी ज़्यादा फ्लेवरफुल नहीं लग रहा है। सो यू नीड शेज़वान चटनी एंड लॉट्स ऑफ इट टू एक्चुअली मिक्स इट योरसेल्फ, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर आपको ऐसे इतना स्पाइसी नहीं चाहिए तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। एंड मिक्सिंग मंचूरियन एंड दिस राइस टुगेदर विल बी अ वेरी गुड कॉम्बो, क्योंकि मंचूरियन बहुत स्पाइसी है और ये हाफ प्लेट है राइस की, तो हाफ प्लेट के हिसाब से क्वांटिटी इज डैम गुड। नाउ लेट्स हैव सम आइस टी। Very nice. Absolutely love my meal over here. अब मैं enjoy करती हूँ और फिर मैं आपको मिलती हूँ। आज की जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं, इट्स कॉल्ड कैफे अंडोरा। बांद्रा में ना बहुत सारी ऐसी कैफेज हैं जहाँ पे आपको ऐसे स्नैक्स मिलते हैं। वन ऑफ दोस वेरी पॉपुलर कैफेज इज कैंडीज। कैंडीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बट दिस इज अनदर पॉपुलर कैफे अमंग लोकल्स, इट्स कॉल्ड कैफे अंडोरा। यहाँ पे भी आपको हर्ष बेकरी जैसे बहुत सारे ऐसे मिनी स्नैक्स मिल जाते हैं, यू गेट बेकरी स्टफ एंड दे आर वेरी पॉपुलरली नोन फॉर देयर फ्रेशली बेक्ड ब्रेड। सो आई हैव गॉटन सम नॉनवेज मिनी स्नैक्स फॉर माई सेल्फ, लेट मी शो यू। दिस इज अ चिकन सॉसेज पफ, दिस इज अ मिनी चिकन रोल, यहाँ पे हैं दो चिकन लॉलीपॉप के पीसेस, एंड हियर इज अ लेमन टार्ट अलोंग विद सम कोल्ड कॉफी। द पफ इज बहुत कॉमन है, 20 रुपीज। द रोल इज फॉर 30 रुपीज। One piece of chicken lollipop is 35 rupees and lemon tart is for 40 rupees and cold coffee is for 50 bucks. Let's start with some chicken lollipop. डालते हैं थोड़ी शेज़वान चटनी में and let's take the first bite. It's quite huge actually. The शेज़वान चटनी is so good, so garlicky. नथिंग इज लाइक कच्चा, थोड़ा सा क्रिस्पी भी है, इसको डालते हैं चटनी के अंदर। इट्स ह्यूज, वेरी गुड। आई एम गोना ट्राई योर चिकन सॉसेज पफ नाउ। चिकन सॉसेज एनकेस्ड इन अ पफ। ओह माय गॉड, इट्स बेक्ड सो नाइसली।
The chicken sausage is so juicy. It's very crispy. It's very fresh. Absolutely love this one. Now let's have the chicken roll. ये देखिए chicken roll is the size of my palm. और उसके अंदर मुझे minced chicken with some onion. ऐसे पूरी मेरे को stuffing दिख रही है. Oh my god. One thing which is so good about both puff and the roll is ke wo itna fresh hai. The chicken is so nicely cooked. Their Schezwan chutney needs an award, I'm saying you. It's so good. Andar ki jo stuffing hai, it's very simple. Onion gravy hoti hai, masale use kiye gaye hain. They've used all of that. The biscuit is not very crispy, very crumbly, but so good. Very simple, old school types. Lemon tart, loved it. बहुत मजा आया यहाँ पे खाके. I'm gonna enjoy this now and see you in a while. Which is next place? आज की जो next place हम जा रहे हैं वो है पंजाब स्वीट हाउस. Another very popular joint in Bandra. पाली नाका पर आता है ये और यहाँ पे हम खाने वाले हैं थोड़ी चाट. हमने एक्चुअली 2-3 घंटे की ब्रेक ले ली थी. वी वर जस्ट चिलिंग अराउंड, सो अभी थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है. लेट्स गो एंड ईट. आलू टिक्की चाट फॉर माइसेल्फ. इसमें 2 आलू टिक्की हैं. भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ. चटनी से और कोरिएंडर. ये दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है. लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट. इसे ब्रेक करते हैं हम. ओहो, ये क्रिस्पी लग रही है टिक्की काफी. ओ वाओ. I am not even kidding जब मैं बोल रही हूँ. It's called a Punjabi restaurant for a reason. इसमें ना वो पंजाबी तड़के का ना एक टेस्ट है. What I mean to say is एक मसाला था जो उन्होंने बहुत generously ऊपर से डाला था. It's a secret मसाला sort of a thing, but थोड़ा spicy, थोड़ा गले पे spice ऐसा लग रहा है. छोले इतने बढ़िया कुक हुए हैं, में black pepper इतना ज़्यादा है. चटनी कोरिएंडर और पुदीने की क्या स्वाद आ रहा है. टिक्की इतनी ज़्यादा क्रिस्पी है. उसके अंदर भी थोड़ी दाल और छोले डाले हुए हैं, थोड़ा पीस भी डाला हुआ है टिक्की में. मजा आ गया ये खाके. I have now come to Jai Jawan. ये प्लेस बहुत पॉपुलर है फॉर इट्स सी फूड. इनकी जो मेन ब्रांच है वो लिंकिंग रोड पर है और वहाँ पे आपको टेक अवे मिल जाएगा और बहुत सारी भीड़ भी मिल जाएगी. मुझे ऐसे बैठ के खाना था तो मैं इनके ही रेस्टोरेंट में आ गई. इनका एक रेस्टोरेंट भी है थार रोड में. आई हैव ऑर्डर 200 ग्राम्स ऑफ प्रॉन्स फ्राई विद सम पाव. प्रॉन्स The prawns fry are here now. This is prawns fry, 2 pav, onion, nimbu, aur ye chutney. Let me take some pav. Isme main dal deti hu ek garma garam prawn. Thoda sa nimbu squeeze kar deti hu main. Some chutney. Na dekh. Ye place ke bare mein maine itna suna hai guys. I'm finally trying it. Bahut expectations hai mujhe. Oh my god, the prawns are fried so nicely. Ooper se chaat masala dala hua hai. Prawns are very fresh, no foul smell. It's like a no nonsense prawns fry. Ye chutney coriander ki hai. It's flavorful in itself. You should definitely mix it. Even though main restaurant mein baith ke kha rahi hu, iska jo taste hai वो बहुत एक स्ट्रीट स्टाइल वाइब दे रहा है मुझे. टू बी ऑनेस्ट, आपको नींबू की जरूरत नहीं है क्योंकि चटनी में बहुत सारा टैंगी है. अभी तो सिर्फ 2 एब्सोल्युटली मिला है. आज 9 से नीचे कोई भी नहीं गया. 10/10 मतलब मेरे मार्केट था कुकी तो मतलब बता देंगे भी.
रेसम आए हैं, इट्स कॉल्ड कॉपिटो आर्टिसन जेलाटो। ये प्लेस ना एक्चुअली स्ट्रीट फूड्स में नहीं आती है, बट आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस प्लेस सो बैडली। यहाँ का जेलाटो एक्चुअली बहुत फेमस है एंड मैंने एक्चुअली एक बड़ा सा ऐसे बोल ले लिया है। आई हैव टेकन अ डार्क चॉकलेट एंड रास्पबेरी फ्लेवर एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई इट। जेलाटो थोड़ी सी अलग होती है आइसक्रीम से, बहुत अलग होती है। उसमें ज़्यादा मिल्क यूज होता है, नॉट क्रीम, लाइक लेस क्रीम। लेट्स एक्चुअली मिक्स बोथ द फ्लेवर्स एंड टेक द फर्स्ट बाइट। ऑल्सो दिस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव, दिस होल बोल इज फॉर 500 रुपीज, बट दे आर नोन फॉर देयर क्वालिटी। सो लेट्स क्वालिटी लग भी रहा है उनका जो प्रेजेंटेशन है। Oh my god, the dark chocolate. That's a good thing. It's so good. It's actually quite dark. And jo bhi sweetness hai, I'm getting from this raspberry sorbet. In dono ko saath mein khane mein bahut acha taste aa raha hai. I'm going to enjoy this. I absolutely loved it. Iska jo texture hota hai, wo ice cream se थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसमें एयर के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। सो इसका टेक्सचर काफ़ी अलग होता है। परफेक्ट वे टू एंड इट। आई एम सो हैप्पी आज हमने जो भी ट्राई किया, मुझे वो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। एवरीथिंग टर्न आउट टू बी सो गुड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। लेट मी नो मुंबई में मैं और कौन से प्लेसेस कवर करूँ। आई कांट स्टॉप ईटिंग दिस। Subscribe to my channel for more food related content. Leave a comment below telling me कि आपको सबसे best dish कौन सी लगी। I'm gonna see you next time. Till then, खाओ पियो, खुश रहो, खुश रहो। अच्छा हुआ। Bye. Bye. Blue pen. Hey guys, how is the burger? Amazing. Amazing, right? Navin कैसा लगा? अरे your first burger. अरे वो कैसे खा रहा है? मत ले। मत ले ये बोल रहा है। ये तो डालने वाली हूँ मैं। Pramod, how is it? बहुत मस्त था। एक और बाइट लूंगा मैं तो, मैं क्रिस्पी पार्ट का खाऊंगा। या ऑनेस्टली इन लोगों ने मेरे को खाना ही नहीं दिया, खुद ही खा रहे हैं अभी बच्चा बच्चा के। नवी रोल ले तब तक। अरे नवी तो खाना। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो सबसे पहले जो है मैं गोलगप्पा गर्ल जो है उनकी एक बात की तारीफ करना चाहूंगा कि वो जिन प्लेसेस पर जाती हैं सबसे पहले उनका होमवर्क करती हैं। सबसे पहले मैं बोला जाती हूँ वो गोलगप्पा गर्ल ही, वो पूजा है। अरे यार उनके चैनल का नाम गोलगप्पा गर्ल है ना। लेकिन वाकई में मुझे उनकी सबसे अच्छी चीज लगती है कि वो जब कोई भी खाना खाती है वो बहुत डिटेल में इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती है कि ये टेस्ट आ रहा है और मतलब इतना मजे का लग रहा है और ये वाली चीज इतनी ज्यादा इसकी अमाउंट फील हो रही है। तो ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि वो काफी ज्यादा डिटेल में हर चीज बताती है। और दूसरा जब वो डिटेल में बताती है ना, तो वो ऐसे अगले बंदे को फील करवाते हैं कि अभी खा जाए, अभी वहां पे जाए और खा जाए। और नो डाउट हमने जितने भी आज खाने देखे हैं ना, अभी मुंह में पानी आ रहा है मेरे तो। माउथ वाटरिंग थे, माउथ वाटरिंग थे वाकई में, बहुत मजा आ रहा था देखकर। एंड सीरियसली हम लोग भी ट्राई करना चाहते हैं। बट यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी आलू टिक्की की, और उसकी रीजन ये है कि कल अभी मैं अपनी बहन को कह रही थी कि किसी दिन हम लोग ना आलू टिक्की चाट बनाते हैं। अच्छा। तो ऑब्वियसली ये हमारे घर वालों के लिए एक नई चीज है क्योंकि इससे पहले उन्होंने तो कभी सुना नहीं था, और हम लोगों ने वीडियोस में इतना ज्यादा देखा हुआ है कि अब हमारा मन करता है कि हम लोग भी डिफरेंट डिफरेंट डिशेस ट्राई करें। इससे पहले जो है हमने जो यहाँ पे लोकल बात करें समोसा चाट खाई हुई है। हाँ। और आम जो नॉर्मल मेमू अभी तक पानी आ रहा है सामने तस्वीर। मतलब आलू टिक्की चाट, लेकिन ये काफी डिफरेंट थी। इसमें चने थे, लेकिन हम लोगों ने जो सोचा था कि उसमें हम लोग डालेंगे कि जैसे कोरिएंडर, अनियन और टोमेटोज, और फिर उसके बाद हरी चटनी, और मतलब टिक्की तो ऑब्वियसली होगी। और इसके अलावा भी अगर कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीजें डाल सकते हैं तो जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आई नो कि हर किसी का अपना एक स्टाइल होता है। बिल्कुल। अच्छी हमें मैं बात करना चाहूंगा जहाँ पे वो गई थी, जे जवान जो कैफे था, रेस्टोरेंट था जहाँ पे वो गई थी, उसमें जो कोरिएंडर की जो चटनी बनाई थी, मुझे तो वैसे देख के वो लगा कि वो जो है पालक है, क्योंकि उसकी शेप ही कुछ इस तरह की थी। हमारे घर में पालक बनती है ना, तो इसी तरह की थोड़ी जल्दी जल्दी होती है, तो मुझे पालक लगी। लेकिन वाकई हैरान कुन था मेले की कोरिएंडर की भी चटनी होती है। कभी आपने सुना इससे पहले कोरिएंडर की चटनी होती है? क्या हो गया मौजा? हाँ होती है, होती है, धनिया ही तो है और क्या है, तो होती है। मैंने तो वैसे कभी नहीं खाई, मुझे कभी खिलाई है। तुमने कभी पूछा है कि भाई क्या इंग्रेडिएंट है? इनका तो खाने से मतलब होता है। पुदीने की खाई हुई है, पुदीना और धनिया दोनों की मिक्स भी होती है, लेकिन वो तो खाली धनिया की है। अरे उसमें कुछ ना
कुछ ऐड तो हुआ होगा ना, मिर्ची भी तो ऐड हो सकती है भाई, प्लीज बता दो इनको ये क्या है। मैंने इनका सरकार है। लेकिन अगर हम पहली वाली फूड की बात करें जहाँ पर उन्होंने बर्गर खाया था और जो 100 years ओल्ड बेकरी थी। अच्छा मैं ये बात, मैं पता नहीं पहले भी ये बात बोली कि मतलब इंडिया में कम से कम भी पुरानी जो एक कोई भी जगह होती है 100 साल से पुरानी, हाँ मतलब पुरानी होती है, मतलब हमारे लिए पुरानी होती है 10-20 साल पुरानी, यहाँ पर 100 साल पुरानी हमें जगह नजर आ रही थी। लेकिन वैसे बांद्रा स्ट्रीट काफी खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल, और अगर बात करें उस बेकरी की, तो आपने उस बेकरी को देखा कितनी सिंपल सी थी। मुझे लगा था कि 100 साल अगर पुरानी होगी तो काफी डिफरेंट किस्म की होगी, लेकिन वाकई बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म की थी। और पता क्या, एक चीज के जब उन्होंने ना पैक खोला, मुझे लगा कि जैसे मतलब उनको चिप्स का अच्छा नहीं लगा था कि प्रेजेंटेशन कैसे ऊपर ही फेंक, तो वो अच्छा नहीं लगा, शायद अच्छा नहीं लगे, लेकिन जब उन्होंने टेस्ट किया तो उनको बहुत ज्यादा मजा आया था। और उसके बाद हम चाइनीज फूड की तरफ आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज फूड जैसे हमारा देसी चाइनीज बनता है हम लोगों को, तो वो बहुत मजे का लगता है, और अगर प्योर चाइनीज होगा तो वो तो हम कभी भी नहीं खा पाएंगे। बट ये कि मुझे मंचूरियन जो चाइनीज में होते हैं, मंचूरियन बॉल्स जो है, वो मुझे बहुत टेस्ट लगते हैं, बहुत मजा, मतलब पता नहीं क्यों। ये जो है ना पूरी जिंदगी का शिकवा है मुझे इनसे कि मैंने इन्हें कहा था मुझे बना के खिलाएं, हर बार ये मुझे गोली करवाती हैं। तुमने मुझे सामान ला कर दिया क्या? इन्होंने कभी कहा ही नहीं। मैं कभी कहा है आपने? खाने किसने है? बनाने किसने है? बेशक मैं सामान ला के रख दूं, मैं सामान ला के रख दूं, वो फिर इधर उधर ला के जाए तो फिर मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। मैं अकेली सारा काम करती रहती हूं। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, ये क्या नाम लेते हैं जब घर में बनने होते हैं ना, चाउमीन बनने होते हैं, ठीक है ना, चाउमीन ही बनती, वो क्या बनती है वो सुंडिया सी, क्या नाम है उनका, पास्ता जो अभी बनता है वो इन्हें एक दुकान में कहते हैं ना, उसी टाइम बना देती जी है। नहीं, उसकी सब्जी सारे मुझे काट कर देते हैं, मुझे खुद नहीं करना पड़ता। और पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उसका मेन इंग्रेडिएंट जैसे उसमें भी है जो मंचूरियन बॉल्स का, मतलब उसका जब वो बनाते हैं पेस्ट बनाते हैं, तो उसमें शेजवान चटनी पड़ती है, सही टेस्ट आता है उसी की वजह से। और यहाँ पर मुझे शेजवान चटनी कहीं पर नजर नहीं आती, मतलब रेडीमेड मुझे नहीं नजर आती। और घर में बनाने पहले शेजवान चटनी बनाओ, फिर उसके बाद उसमें टाइम लग जाता बहुत ज्यादा। देखें लड़कियों को कुछ बनाना जन में नखरा बहुत आ जाते हैं, नखरा करती हैं। अच्छा चल ठीक है, वीडियो के बारे में बात कर लें क्या? हाँ? और फिर इसके बाद मौसम जो एक आइसक्रीम वाला था वो मुझे भी अच्छा इसलिए ज्यादा लगा क्योंकि यहाँ पर भी मतलब आइसक्रीम भी और जिलाटो, मुझे आज डिफरेंस पता चला कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वरना मुझे इससे पहले डिफरेंस नहीं पता। और मुझे आज पता चला कि आइसक्रीम भी बहुत ज्यादा टाइप की होती है। नहीं ये मुझे पता था, अभी यहाँ पर यार क्रीम ब्लॉक में है तो सही जिलाटो यार मेरे लिए आइसक्रीम होती है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता इसमें टाइप्स होती हैं कि नहीं होती, आइसक्रीम होती है। लेकिन ये कि इन्होंने काफी डिटेल में बताया तो मुझे वो चीज बड़ी पसंद आई क्योंकि एक खाने के साथ साथ हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है कि इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है। अच्छा प्रॉन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है, वहां पर प्रॉन्स बहुत अच्छे मिलते हैं। हालांकि मैं कोई बहुत ज्यादा सी फूड लवर नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे उनके बहुत अच्छे लगते हैं। मैं समझ गया, बहुत क्रिस्पी और अच्छे होते हैं। और उनका सूप, ओ माई गॉड, मतलब अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ अब हमें इजाजत, और जो लोग मुंबई से हैं वो जरूर बताइएगा कि कौन कौन इन जगहों को विजिट कर चुका है या इसके अलावा और कौन सी फेमस जगह है। वैसे मैं तो लगता है बहुत सारी हैं ऑब्वियसली, लेकिन एक और चीज का हमें इस वीडियो में पता चला कि बांद्रा स्ट्रीट जो है वो शॉपिंग के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। इससे पहले हमें जो दिल्ली की पता थी, बिल्कुल एक कौन सी बताओ दिल्ली की, यार वो हुनर बाजार ना, नहीं जी वो हुनर हाट था, हुनर बाजार यार हमने देखी थी, एक वीडियो देखी थी। हाँ, बताओ वो जहाँ पे अक्सर वो होते हैं प्रैंक्स वगैरह लोग करते हैं, वो वाली मार्केट की बात कर रही है जो बहुत सस्ती वाली है, बहुत सस्ती वाली है। मुझे नहीं पता, मौजम बहुत फेमस है, मौजम जल्दी बता दो, मौजम मुझे खुद याद भुला हुआ, जल्दी बता दो यार मुझे उसका नाम भूल गया जगह का कुछ, लेकिन ये कि मेरे दिल में यार प्लीज मौजम प्लीज, बहुत बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, जल्दी जल्दी सोचो जल्दी बाद में सोच नहीं भाई हैं। वो नाम मुझे नहीं पता भाई, बताओ मौसम है यहाँ पे, मैं सर्च कर क्योंकि वहां पर हम लोगों ने व्लॉग्स भी देखे हुए हैं। व्लॉग्स क्या
हाँ मतलब शॉपिंग बहुत सस्ती होती है, प्लीज अभी देखो क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर हम लोग को पता नहीं, मतलब वो याद नहीं आएगा। तो वैसे वाकई में याद नहीं आएगा, हम लोग इंटरनेट पर गूगल बाबा से पूछते हैं और मोदम के हाथ जो उनसे इतने स्लो गए ना, सस्ता बाजार नहीं, नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं यार। सुन क्या नाम था उसका, मुझे क्यों भूल गया नाम यार, 10 चीपेस्ट शॉपिंग प्लेसेस देखो कौन सी है दिल्ली में। मुझे यार कौन सी वो एक जनपद मार्केट आ रही है, नहीं, नहीं, चांदनी चौक, नहीं नहीं ये भी नहीं था, दिल्ली हाट, नहीं ये भी नहीं है, जी के सरोजनी मार्केट, यस मैं कह रही हूँ ये पता कि एस से नाम शुरू होता है बट मुझे एक बार भी नहीं इन्होंने कहा एस से नाम स्टार्ट होता है, मेरे जहन में एस से मतलब नाम था, मैं मतलब कुछ इस तरह से करी बट मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं। हाँ सरोजनी मार्केट की बात कर रही थी वाला, और मतलब बांद्रा में जैसे सरोजनी मार्केट पाया था मौसम निकाला सरोजनी मार्केट को, सॉरी हमने आपका थोड़ा टाइम ले लिया लेकिन मुझे याद मौसम को करवाना और खुद को भी करवाना बहुत जरूरी था क्योंकि जब हम इंडिया आएंगे तो हमने शॉपिंग करनी है, सस्ती जगह देखेंगे शॉपिंग करेंगे तो ज्यादातर सरोजनी मार्केट में पता है इतनी अच्छी शॉपिंग होती है ना, मैं बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ। हाँ, ये तो रोज ख्वाब में पहुंची हुई होती है ना। हाय मेरे घर वाले भी बोलते हैं जब इंडिया जाओगे ना तो बहुत सारे शॉपिंग करके हमारे लिए भी कुछ लेकर आना, तो फिर ठीक है ना फिर देखना पड़ता है कहाँ से अच्छी और सस्ती चीजें मिलेंगी। अभी कल मैंने एक ब्लॉग देखा था उसमें 500 रुपए की इतनी अच्छी शर्ट्स जो ब्लॉगर थी उन्होंने ली थी और वो सेल में लगी थी 500 रुपए की सिली सिलाई काम वाली स्टिच शर्ट, मैं इमेजिन कर सकती हूं। बस 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 ये तुम्हारी आज की वीडियो, आई होप आपने एंजॉय की होगी, सीख साथ में इजाजत क्योंकि मेरी बातें कभी नहीं खत्म होंगी, और रखें हमें अपनी दुआओं में याद, लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियोस करें लाइक, हमारे चैनल को वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय यार, सच में इतनी अच्छी शर्ट मोदम स्टिच्ड, ये मैं डालूंगा बीच में बाद में, यार मोदम सच में इतनी अच्छी शर्ट, अब तो मुझे बोलने नहीं दे रहे थे ना ऑब्वियसली, मुझे ऑफ कैमरा बता।